So right now I am at Chandratal Lake. Time is 5 o'clock. I have completed my track from Kunzum Top to Chandratal Lake. So now the return journey is starting. कुछ बातें हैं जो बता देना चाह रहा हूँ यहाँ के बारे में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं आपको जो स्रोत है जहाँ से चंद्रा रिवर शुरू होती है वो बताऊँगा। तो ये चंद्रताल है जहाँ से चंद्रा रिवर स्टार्ट होती है, और ये आपको जब आप अटल टनल क्रॉस करोगे या फिर कोकसार और उस ग्रम्फू के वहाँ से होकर के निकलोगे तो चंद्रा रिवर आपको दिखाई पड़ती है। तांडी वो जगह है जहाँ जा कर के चंद्रा मिलती है भागा रिवर के साथ। तो चंद्रा का ओरिजिन जो स्रोत है वो ये है, चंद्रताल है। मेरा मन है कि टेंट लगा के रात को यहीं रुक जाऊँ, वैसे भी 5 बज चुके हैं, 1-1.5 घंटे बाद वैसे ही अंधेरा हो जाएगा। पर इस लेक और इस एरिया में टेंट लगा के रुकना टूरिस्टों का मना है। वैसे तो कोई भी नहीं है, एकदम सुनसान है, एक भी इंसान नज़र नहीं आया, सिर्फ उस गडरियों को छोड़ के जो भेड़ी चरा रहा है यहाँ पर, अदरवाइज़ कोई भी नहीं था यहाँ। टेंट लगा के रुक भी जाऊँगा तो कोई आने वाला नहीं देखने के लिए। पर अगर रूल बनाए गए हैं तो फॉलो करना ज़रूरी है, और यही सोच करके मैं यहाँ से अब नीचे जो कैंप साइट्स हैं उस तरफ अपना वॉक स्टार्ट करूँगा। कैंप साइट तक पहुँचूँ ज़रूरी नहीं है, पर 6:30-7 बजे मैक्सिमम मैं वॉक को एंड कर दूंगा। कोई अच्छी जगह देख के जहाँ वाटर सोर्स होगा वहाँ पर मैं टेंट लगा करके सो जाऊंगा। कल जो चंद्रताल लेक है उसके जो ट्रैक आपने देखा कुंजुम पास से लेकर के यहाँ पहुँचने तक का, वो आपको पूरी रूट की जानकारी मिल गई। 8 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, पर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है तो शायद इसलिए थका देने वाला होगा। पर अगर मैं कॉन्टीन्यूस वॉक करूं और एकदम फ्रेश हूं और मेरे पास इतना हैवी वेट बैग ना हो तो ये पूरा डिस्टेंस 3 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे में किया जा सकता है। एट 5 o'clock आई एम स्टार्टिंग माई रिटर्न जर्नी। देखिए ये चंद्रा रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। जगह जगह लिख के लगा रखा है, झील गहरी है, तैरना खतरनाक है, अंदर मत जाओ। तीनों बोर्ड पे सेम चीज़ें रिपीट की गई हैं। वहाँ पे डूज एंड डोंट्स है इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और इसको पार करके मुझे दूसरी तरफ बढ़ना है। बाबा जी उधर से जा रहे हैं, देखो कैसे जाएंगे। हाँ 1, 2, अरे नहीं उनका तो जूता पानी में गया भाई, फिर तो मैं इधर से निकल जाता हूँ, मेरे को अपने जूते नहीं गीले करने। तो ये अपने भेड़ बकरे को लेके ना इस तरफ से हाँक के इसको पार कराएंगे, और बाबा जी रास्ता दिखा रहे हैं उनको। ये आई पहली भेड़, उतरी पानी में, ओए होए 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 होए। थोड़ा आगे जाता हूँ यार, बड़ा मस्त सीन है। तो लोग कहते हैं जानवर है, इनको पता नहीं होता। अरे रुक क्यों गए, चलो, रुको मत। अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल रही है बाबा जी, अब थोड़ा आगे बढ़े तो डायरेक्शन दिखी, तो अब सब उस तरफ मुड़ गई हैं उनके पीछे। आई केप्ट लुकिंग एट देम व्हाइल दे वर क्रॉसिंग द water stream. They were looking really beautiful. This is the time when the shepherd approached me and they started. बढ़िया भाई जी, सब ठीक। तो बाकी उधर ने भेड़ इनका ये यहाँ रह गई थी, अच्छा गुम हो गई थी। अच्छा ओह, तो यहाँ नहीं रुक सकते ना, मना करते हैं। नीचे कैंपिंग वाले भी अलाउड नहीं, नीचे कैंप लगाना है, इस साइड वाले ना पता नहीं चला गया कैंपिंग वाले। हाँ तो वो जो कैंप साइट वाले वो भी मना करेंगे, वो लगाने देंगे, लगाने सामने के टेंट अलाउड नहीं। अच्छा इस साइड लगाना, पता चले उनको भी नहीं, उनको भी ना पता चले। याद रखेंगे आपकी बात, बहुत बढ़िया। बाय बाय कहने का टाइम आ गया। चंद्रताल आई लव यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। तुम्हारे ये जो रंग है ना बहुत प्यारे हैं, तुम हो बहुत खूबसूरत। वादा करता हूँ फिर से ज़रूर आऊँगा। आया था मैं कुंजुम वाला ट्रैक करके, जा रहा हूँ बाय रोड। ठीक है जी। एक ये हट बनी है यहाँ पे, पता नहीं क्या है वैसे, और यहाँ पर एक वार्निंग लिखी है कि इस पॉइंट के बाद में टेंट लगाने पे पनिशेबल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा और एज पर द लॉ उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सड़क यहाँ तक आई है, और इसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड एट 4290 मीटर्स एलिवेशन। इट इज़ सैक्रेड लेक। स्विमिंग, बाथिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। Wandering close to lake with the consumption of intoxicant could be dangerous. Therefore, tourists are requested to maintain its sanctity and cleanliness near about. Thank you. This is by the order of Forest Officer Spiti. It is been said that this lake pulls the people and make them have suicide or drown themselves inside it. मैंने सोचा मैं आपको वो रूट दिखाता हूँ जहाँ से मैं ट्रैक करके आया था। ये ग्रीन सा पैच है, यहाँ पे एक झोपड़ी बनी है, वहाँ पर मुझे वो डॉगी मिला था जिसको मैंने बिस्किट खिलाए थे। और उसके यहाँ से होता हुआ फिर मैं इससे नीचे उतरा है यहाँ पे, और ये जो पत्थर है ना, इन पत्थरों के बीच में से होता हुआ ये यहाँ से, अब ट्रैक दिख नहीं रहा होगा आपको, वहाँ नज़र आता है। फिर मैं नीचे उतरा, फिर इस नदी के किनारे किनारे जो वाटर स्ट्रीम दिख रही है, फिर मैं चंद्रताल तक पहुँचा था। काफ़ी मेहनत करके पहुँचा था मैं। चंद्रताल लेक की पार्किंग तक जो रास्ता जा रहा है वो आप अभी देख रहे हो। गांव में जो रास्ते होते हैं उनसे भी बुरा है। तो बाइक वाइक यहाँ चलाना और गाड़ी चलाना है तो बड़ी कारीगरी और बड़ी कुशलता का काम। यहाँ पर ये लूप्स हैं जिन्हें मैं शॉर्टकट मार के पार कर लूँगा। और सामने टेंट का सेटअप देखो यार, कितने सारे लगा रखे हैं इन लोगों ने, हैं बहुत पैसा लगा रखा है। यहाँ तो पूरा एक गाँव बसा रखे, बहुत सारे कुनबे हों जैसे, वो झोपड़ियाँ हैं, हट लगी है वहाँ पे, हैं खाना, किचन, पानी का सोर्स, ये वाटर स्ट्रीम बनी हुई है। एक वो पूरा सेट है, वो पूरा सेट है, वो सेट है, वो सेट, वो। अरे बाप रे, पूरा शहर बसा दिया इन लोगों ने तो, कमाल की बात है। बोल रहे हैं यहाँ चेक पोस्ट से एंट्री करा देना, चलो देख लेते हैं। चेक पोस्ट पहुँचने वाला हूँ, देखता हूँ क्या होता है, पंगा न डाल दें कोई बस। कैसे जी, ठीक ठाक सर? कहाँ से आए? रुको। अच्छा जी, मैं ऊपर चंद्रताल कुंजुम से शुरू किया मैंने। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू जी। हाँ इसको रखता हूँ पहले तो, ये थोड़ा ड्यूटी इंचार्ज अच्छे बंदे थे, एंट्री करके बोला जाओ आप, और बोला टाइम से चले जाओ अगर आपको चाचा चाची ढाबा जाके रुकना है, 13-14 किलोमीटर होगा, टाइम से पहुंच जाओगे। तो मैं निकल चला, बस एंट्री हुई है शायद, कुछ नहीं। मुझसे पूछा क्या लोसार में एंट्री कराई थी, मैंने बोला नहीं कराई थी भाई, 6 दिन मेरे को वहीं रोक के रखा। फिर मेरे को लोकल लोगों ने बोला आप चले जाओ, फिर मौसम भी साफ दिखा रहा था तो मैं निकल आया। मैंने सच सच बताया जो है भाई, है ना, झूठ क्या बोलना। तो नंबर वंबर तो नहीं लिखा, खाली एड्रेस, नाम, पता, यही सब लिखा है और कुछ नहीं। कच्चा सा रास्ता है, थोड़ा स्पीड पकड़ लेता हूँ, अंधेरा हुआ तो रास्ते में जगह देख के रुक जाऊँगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं मेरे को। चाचा चाची ढाबा जाना ज़रूरी नहीं है। ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर है उन्होंने बता दिया था मेरे को कि पानी बहुत ज़्यादा चला हुआ है, कैसे पार करोगे। तो मुझे लग रहा है कि मेरे को चप्पल पहननी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि पानी है काफ़ी ज़्यादा। फिर एक तरीका ये भी है कि साइड साइड से अगर मैं निकल जाऊँ, और वहाँ जाके देखना पड़ेगा क्या कहानी है। आओ ट्राई करते हैं, अगर ये हिस्सा पार हो गया तो स्टिक तो है मेरे पास, देखता हूँ क्या बनता है। तो मैं अभी ये जो पत्थर साइड में लगे हुए हैं उनके ऊपर पाँव रख के जाने की क्रॉस कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये तो ठीक हो गया यहाँ तक, अब इसके आगे का देखना है और क्या होगा। पर पैदल का थोड़ा फ़ायदा रहता है, यू नो, छोटी सी जगह से भी आप निकल जाते हो। अगर मेरे पास साइकिल होती, मेरे पास मोटर साइकिल होती, तो मेरे को भिगो करके पाँव को निकलना पड़ता है। तो जनाब यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, अब ये वाला हिस्सा थोड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ बहाव भी तेज़ है, वहाँ एक दो पत्थर रखे हुए हैं, शायद उनके ऊपर से निकल जाऊँ। आओ चल के देखते हैं, ये आसान नहीं होने वाला, यहाँ तो मेरे को जुगाड़ बिठाना ही पड़ेगा। इतना लंबा जंप नहीं ले सकता कोई भी। आगे देखूँ जाके थोड़ा और, तो सारे ऑप्शन फेल जैसे हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ थोड़ा प्लेन होगा, चप्पल पहन के वहाँ से पार करूँगा। ठंडे हो गए मेरे, मर गया। आ देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी कैंप साइट है। एक ये है, वो तो पूरा शहर ही बसा हुआ जो आपने देखा, एक वो आगे भी है वहाँ पे। आजकल क्या हो रहा है, कोई यहाँ पे मिल नहीं रहा बात करने को, सब बंद पड़ी है, तो इसलिए मैं आपको कोई अपडेट दे नहीं पा रहा हूँ कि क्या रेट होता है, कितना रहता है। बाइक खड़ी है ना हर एक कैंप साइट के बाहर, तो जब यहाँ स्नोफॉल हुआ 4-4 फुट तक, सब लोग बाइक यहीं छोड़ के, क्योंकि ले जाना तो इम्पॉसिबल था। तो जब ये रास्ता खुलेगा तब इनके ऑनर्स आएंगे और अपनी अपनी बाइक उठा करके ले जाएंगे। देखो सब सुनसान पड़ा है, एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। कहीं रुक के मैं जूते पहनता हूँ, अभी तक चप्पलों में ही चले जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये जगह सही है, ऊपर से पानी भी बह के आ रहा है, साफ़ मिट्टी भी है, तो यहाँ टेंट लगा के रुक सकता हूँ। पीने का पानी भी है। 7 बज चुके हैं, 8 बजे अंधेरा हो जाएगा, तो ठीक है इसी जगह को अपना बसेरा बनाते हैं और यहीं पे आराम फरमाते हैं। ठीक लग रहा है, ये पत्थर हटा देता हूँ, सोऊंगा इस तरफ, सामान इधर रख दूंगा, सामान के नीचे पत्थर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जगह सही है। 3-4 लोग इस तरफ आ रहे हैं। लेट्स चेक। ऐसा कैंपिंग अलाउड नहीं है, कैंपिंग अलाउड नहीं है, फिर आपको ये टेंट में रहना पड़ेगा। टेंट में करते हो हैं, ट्रैक कर रहे हो? हाँ मैं पैदल कर रहा हूँ। कैंप पे रह लो, कैंप पे रह लो। पैसे कितने लोगे? पैसे का तो लेना चाहिए, मेरे पास बजट का बताइए, यानी कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पे अलाउड है ना। प्रधान आ गया ना, प्रधान आगे तो उठा देंगे आपको, प्रधान आगे उठा देंगे, दिक्कत हो जाएगी। बस वैसे पैसे बस मत लेना यार। नहीं नहीं चलो, बाकी सब ठीक है क्योंकि आजकल वैसे ही बंद पड़ा ना यार। अरे आप ही हो एक, इतने दिनों में 8 तारीख के बाद बंद पड़ा, स्नोफॉल हो गया। कोई नहीं दे रहा ना, आएगा कोई कैसे? चेक पोस्ट पे भगा देते पीछे, मैं तो चुपके से भाग गया। आप प्रॉपर चैनल था ना? मैं हाँ मैं प्रॉपर चल रही हूँ, चंडीगढ़ में रहा हूँ यार, डीएवी कॉलेज से पढ़ा हूँ। डीएवी 11 10 वाला सही है भाई। बस काटा प्यार भी, इस बार बर्फ़ पड़ गया। हाँ यार ये बड़ा नुकसान हुआ इस बार तो, बहुत ज़्यादा। टेंट लगा रहा था मैं और मुझे ये दोनों भाई मिले, इन्होंने बोला कि यहाँ मत लगाओ क्योंकि परमिशन नहीं हुई थी और प्रधान आके बोलेगा कुछ आपको। अब मैं इनके साथ इनके कैंप साइट पर जा रहा हूँ, वो जो सामने वाली कैंप साइट है वो ही नहीं की है। काफ़ी बड़ी कैंप साइट है यार। क्या हाल है जी, ठीक ठाक? बड़ा अंधेरा कर रखा है, लाइट नहीं है। जनरेटर चलता है, आज अंदर। अच्छा जब जनरेटर चलेगा तब तो लाइट आएगी। शुभम मिले थे मेरे को रास्ते में, अंधेरे में क्या दिख रहा है लाइट की तरफ वो करना जरा। हाँ अब दिखे तो उनके साथ मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पे आके मुलाकात हुई अपने कुलदीप भाई से। रामलाल है ना ठाकुर, मनु भाई वो खड़े हैं देखो गाड़ी में मेरी तरफ, और ये सुमित है। इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ पर इनके साथ, इनके कैंप साइट है, आपको अच्छे से दिखाऊंगा। मेरे ख्याल अब तो अंधेरा हो गया, कल सुबह एक बार अच्छे से रिकॉर्ड करके फिर दिखाते हैं। क्या रेंज रहता है इधर आप लोगों का? पर पर्सन हम 2000 हाँ लेते हैं, इंक्लूडिंग भी डिनर और ब्रेकफास्ट। डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड 2000 रुपये में हो जाता है। और एक टेंट में 2 लोग रुकते हैं? 2 लोग भी रुकते हैं, 3 भी। अच्छा एक भी रुक सकता है? एक तो रुक सकता है पर उसका चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा थोड़ा, मतलब कितना? 3200-3500 वाला। मुझे याद आ रहा है सेम रेट मेरे को बताया था सरचू में। अभी तो चाय का मजा लिया जा रहा है ठंड में। एक नई जगह मेरे को बता रहे हैं शुभम, ये कह रहे हैं समुद्री टापू नाम की जगह है। समुद्री टापू एक जगह है, देखो 2 नदी के बीच में है ये, और वहाँ जाने का एक ही रास्ता है कि आपको ये इसको यूज करना होता है, ट्रॉली को, जो लोकल आप हिमाचल में देखते हो। तो वही ट्रॉली के थ्रू ये जा रहे थे। और कहानी ये है कि वो जो मनु भाई बैठे हैं ना, जब उनके आने की बारी आई और जब रस्सी खींच रहे थे तो ये रस्सी टूट गई थी, है ना शुभम? हाँ जी जी। तो फिर ये वहीं फंस रहे, अगले दिन आए वापस। अगले दिन वापस आए आप, रस्सी टूटने के बाद वहीं रुके। तो कैसी लगी जगह ऊपर फिर? वो तो जगह तो स्वर्ग है वो। वहाँ घूमने के लिए टाइम चाहिए, पूरा दिन चाहिए फिर। अच्छा पूरा दिन में भी कवर कर नहीं पाएंगे। हाँ 8 किलोमीटर का एरिया, कितना ग्लेशियर, इतना बड़ा ग्लेशियर है। अभी भी ग्लेशियर है वहाँ पे, ब्लैक आइस वाला। अच्छा उसके बाद फिर वाइट आएगा, उसके बाद झील आएगी चंद्रताल से भी बड़ी। ये जो एरियाज है ना भैया, ये सारे 4000 से ऊपर के हाइट पे है। हाँ आगे कौन सी झील है वो? वही झील का नाम था क्या बोलते, काला कुआं कुछ ऐसा। काला कुआं नाम है वो झील का। पानी भी बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैक पर काला। यार ऐसी जगह जाना है मेरे को यार, आप मेरे को कब चल रॉ जगह है यार, ऐसी जगह हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ कितना पानी बह रहा है आप ध्यान, ये चंद्रा रिवर है ये, जो ये पाकिस्तान जाती है। हाँ वो चंद्रभागा। यार ये तो धांसू जगह है। इसके अंदर दिखा ना जो ग्रीन वो दिख रहे थे आपको, बहुत रॉ जगह है। कह रहे हैं यहाँ से 2.5 घंटे का वॉक है इस जगह पहुँचने के लिए। ये भैया थोड़ा समुद्री टापू का ना वीडियो, पूरा ग्रीन है यार, ये घास उगी हुई है यहाँ पे ना। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा टापू लग रहा है। कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा है। कितने बड़े एरिया में फैला होगा? 5 से 8 किलोमीटर तक का, 5 से 8 किलोमीटर का एरिया है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। ओए होए यार, मेरा दिल कर रहा है सच में। मैं जानकारी ले रहा था कि जा सकते हैं कि कैसे जाऊँ, पर ये मेरे को बैठ के डरा रहा है, बोला अकेले मत जाओ, अकेले जाओगे तो बस का नहीं है, बड़ा मुश्किल है अकेले जाना। मैं अरमान जगा रहा हूँ अपने अंदर कि जाऊँ देख के आओ। जा रहे हैं तो हम लेके चले जाते हैं आपको, हम कल थोड़ा जा रहे हैं। नहीं, झूले के पास ही नहीं पहुँच सकते, वहाँ जाने के लिए ऐसा है बहुत ही स्टीप है वो वाली। अकेले जाने में क्या दिक्कत है? वो खींचना डिफिकल्ट है ना यार, और आपको एक्सपीरियंस नहीं है मेन चीज़ वो है। मैंने कभी किया तो है नहीं, ये बात वही चीज़ है। मैं खुद मतलब पहली बार खींचा है वो झूला। जी डिनर का टाइम हो गया, देखो अब हम लोग सब साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं। और ये स्टोरीज ना जो यहाँ पर ट्रैवलर्स आते हैं ना, उनको भी मालूम नहीं, वो आते हैं बस ऐसे ही निकल जाते हैं। हाँ। मतलब जल्दी में, मतलब यहाँ पे लोकल को ये पता स्टोरी का। यहाँ पे अगर आपको टापू है ना, वहाँ बोल रहे थे उनका महल बनने वाला था, है ना भैया? रोपा भी है, रोपा परियों ने वहाँ पे मतलब अपने वो बिजाई धान सारा सलगता ना उधर, वहाँ पर झुलता ना धान की तरह घास है, धान की तरह सेम। अच्छा जी, वो जो घास देख रहे थे वीडियो में वो धान की तरह है। ऊपर है जो चंद्रताल, तो नीचे। हाँ। उसके ऊपर 3-4 और तालाब है। अच्छा। हाँ। तो कहते हैं वहाँ परियां नहाया करती है। हाँ, वहाँ परियां नहाने की जगह है। वो है ना कुंड है, छोटे कुंड है। हाँ। जगह बहुत मस्त है, उसको बोलते हैं रोपा, परी रोपा कहते हैं। परी रोपा का क्या मतलब? परी जो थी परी। हाँ परी। रोपा क्या मतलब होता है? धान का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ रोपना जो होता है, रोपना अब समझा। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना रोपा, परी रोपा। हाँ जी, तो वो जो धान बोया है वो परियों ने बोया है। हाँ जी, जो पत्थर के ऊपर पैर का निशान है ना, पत्थर के ऊपर। हाँ, पैरों का निशान है ना उनका। नहीं देखा, हमारे शरीर के बराबर है। मैंने नहीं देखा था, वो शरीर के बराबर है पाँव, इतना बड़ा पाँव। पैर तो दिखाई दे रहा है, उल्टा पैर दिख रहा है ना। तो ये पाँव की जो शेप है, ये इसी को वो बोलते हैं, पाँव है उसका। और ये भी 6-7 फुट है। वाह भाई वाह, सही है। तो काला कुआं जो ऊपर झील है जिसका पानी, वहाँ पे जो झील है जिसका काला पानी है, काला कुंड बोलते हैं। और बहुत बड़ा वो है, इस चंद्रताल से बहुत बड़ी झील है। कल जाऊँ मैं? नहीं, मैं चला जाता हूँ। आना ही पड़ेगा, अधूरा छोड़ के जाऊंगा तो। चाहे हमारे साथ बना दो, हमारे साथ बनाओ आप प्लान, हमने भी जाना है। तो हमारा रहेगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तब क्यों जी, है ना, चलेंगे। मैं तो कल के लिए सोच रहा हूँ, पर ठीक है बात मान लेनी चाहिए आपकी, क्योंकि बाथरूम है। अच्छा जी, बाथरूम उधर है। टॉयलेट तो सुबह ही पानी क्योंकि छोड़ा नहीं है ना। हाँ, रात को तो जाना भी नहीं। मैं नीचे ये वाले पे सो जाता हूँ, बेड गंदा नहीं करते। ठीक है सर, गुड है जी, बहुत बढ़िया है। ये तो थैंक यू रामलाल जी, मिलेंगे सवेरे को। ओके बाय बाय। जो शुभम मिले थे रास्ते में जहाँ मैं टेंट लगा था, बढ़िया खाना खिला दिया मेरे को, रहने के लिए एक टेंट भी दे दिया अपना। तो मैं यहाँ पे सो जाऊँगा अभी। इस तरह से दोस्तों अपना दिन हो गया यहाँ आकर के कंप्लीट। और रात के करीब 9:30 बजे हैं। बहुत सारी अच्छी बातें की हैं, बहुत गप्पे मारी हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोकल लोगों से देखने को सुनने को मिली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है सब कुछ। अगर आप चंद्रताल का ट्रैक का पूरा एपिसोड देखना चाह रहे हैं तो मैंने ऊपर की तरफ दिया, इस तरफ, और पूरी सीरीज़ देखना चाह रहे तो नीचे दी है। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इस ट्रिप पे और मेरी जर्नी में जिन्होंने सपोर्ट किया, उनके नाम मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ। आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पेपाल, थ्रू गूगल पे, पेटीएम, जैसे भी आप चाहें। आपका ये छोटी सी मदद मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय।